हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ दीक्षा। तो एग्जाम्स आपके नियर है, ट्रिक्स की आपको जरूरत है, इसीलिए आज मैं आपके सामने एक ट्रिक लेकर आई हूँ जिसमें कि आप सीखेंगे कि कौन सी चीज में कौन सा एसिड होता है और उस एसिड का यूज क्या होता है, उस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। मीन्स हम जानने वाले हैं ऑर्गेनिक एसिड्स को लर्न करने की ट्रिक। अब आपको एसिड्स को लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई जाएगी, एक फनी ट्रिक कह सकते हैं, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है। तो आइए अपना टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एसिड। पहले एसिड का नाम है एसिटिक एसिड। हमें याद करना है कि एसिटिक एसिड का क्या सोर्स होता है, मीन्स किस चीज में एसिटिक एसिड होता है। तो आइए इसकी ट्रिक बनाते हैं। आपने सुना ही होगा जब भी हम फ्रूट जूस पीते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको जूस पीने से एसिडिटी बनती है, तो वो फ्रूट्स खाते हैं, मींस जूस पीते हैं तो एसिडिटी बनती है। यही इसकी ट्रिक है। एसिटिक से आपको याद रहेगा एसिडिटी, और एसिडिटी किससे बनी? फ्रूट जूस से। तो एसिटिक एसिड का सोर्स हुआ फ्रूट जूस। तो पहला सोर्स हुआ इसका फ्रूट जूस, दूसरा सोर्स इसका विनेगर भी होता है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूला की। फॉर्मूला होता है CH3COOH। ओके, अब सेकंड एसिड पे चलते हैं। सेकंड इज फॉर्मिक एसिड। अब हम ये कैसे याद रखें कि फॉर्मिक एसिड किस में होता है? तो आइए इसकी भी एक ट्रिक बनाते हैं। FORMIC, फॉर्मिक। आईसी हटा देते हैं, फॉर्म ले लेते हैं FORM। इससे हम फार्म बना सकते हैं, फॉर्म से फार्म हाउस। अब इमेजिन करो आपने एक फार्म हाउस खरीदा, एंड आपने एक फार्म हाउस खरीदा है और आप वहां एंटर कर रहे हैं। तो जैसा कि फार्म हाउस ओपन एरिया में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हनी बीज और एंट्स घूम रही होंगी। हनी बीज मतलब मधुमक्खियां, और चींटियां मींस एंट्स, वो घूम रही होंगी। तो वहां पर ऐसे छोटे छोटे जीव घूम रहे थे और आपको मधुमक्खी ने काट लिया, और जब मधुमक्खी काटती है तो वह हमारे अंदर एक एसिड छोड़ती है और उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? फॉर्मिक एसिड, फार्म हाउस। फार्म हाउस में गए तो मधुमक्खी ने काटा और उसने कौन सा एसिड छोड़ दिया? फॉर्मिक एसिड। तो इसका सोर्स क्या हुआ? एंट्स एंड हनी बीज, मींस एंट्स और हनी बीज के अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। देन थर्ड एसिड, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड को कैसे लर्न करना है? इसमें हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क का, दूध का। आपको दूध के फायदे तो पता ही हैं। दूध से बहुत कुछ बनता है, लाइक दही, पनीर, घी, मक्खन, इतना सब कुछ दूध से बनता है। तो हम कह सकते हैं कि जितने दूध के फायदे हैं ना, उस हिसाब से तो इसकी कीमत 1,00,000 रुपए होनी चाहिए। यही है इसकी ट्रिक। मीन्स लाख को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? LAC, लैक। अब LAC से क्या बन रहा है? लैक्टिक। तो इसका सोर्स हुआ मिल्क, तो मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, और इसका फॉर्मूला है C3H6O3। ओके, उसके बाद आते हैं फोर्थ एसिड पर, दैट इज सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में हम लेते हैं CI। CI से बना साइकिल, वैसे इसको बोलते सिट्रिक, अभी के लिए हम इसको सपोज कर रहे हैं साई। तो साई से बना साइकिल। तो इसकी स्टोरी बनाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, उसको उसकी मम्मी ने बोला फ्रूट्स ले आओ, तो वो साइकिल पर चला गया। वहां गया तो बच्चा समझ गया कि फ्रूट वाले ने उसे खट्टे फ्रूट दे दिए। ठीक है, यही ट्रिक है सिट्रिक एसिड को लर्न करने की। सिट्रिक एसिड का सोर्स है सिट्रस फ्रूट, मींस खट्टे फ्रूट। और सिंपली आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, CI फॉर सिट्रिक, CI फॉर सिट्रस। तो जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ एसिड, दैट इज टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक में हम लेते हैं TAR को, तार। तार से बना सकते हैं लार। अब इसकी ट्रिक लेते हैं कि एक बच्चा है जिसको इमली बहुत पसंद है, तो जैसे ही उसने इमली देखी, उसके मुंह से लार टपकने लगी। और दूसरा बच्चा है, उसको ग्रेप्स पसंद है,
तो इन दोनों दोस्तों को ग्रेप्स और इमली दिखी तो इनके दोनों की लार टपकने लगी। तो क्या सोर्स हुआ? ग्रेप्स एंड टार्मिंड मींस इमली। तो ग्रेप्स और इमली में से एक एसिड होता है जो होता है टार्टरिक एसिड। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है C4HO। इसके बाद है सिक्स्थ, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। एक सोरेल नाम का ट्री होता है जिससे हमें दो चीजें मिलती है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी जेली। तो आइए इसकी स्टोरी बनाते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक सोरेल ट्री स्टेशन के पास है। सोरेल का रेल पर फोकस करो, जो सोरेल है SORRL में से REL मींस रेल, इसके रेल पर फोकस करो। एक रेलगाड़ी वहां आई क्योंकि स्टेशन है, और उस ट्री से ऑक्सीजन और जेली लेके चली गई, मींस ऑक्सी जेली, जिससे बना ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका सोर्स है सोरेल ट्री। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? सोरेल ट्री में। इसका फॉर्मूला है C2H2O4। तो ये वो छह एसिड्स हैं जिसका हमने सोर्स जाना और उसका फॉर्मूला जाना। अब हम एक छोटी सी क्विक रिवीजन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, जिससे हम समझ पाए इसको ब्रीफ के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन, जब एंट्स काटती है तो कौन सा एसिड छोड़ती है? कैसे याद रखेंगे? एंट ने काटा, स्टोरी याद करो। एंट कब काटती है? फार्म हाउस में। फार्म हाउस से क्या बना? फॉर्मिक एसिड। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लेमन में कौन सा एसिड होता है? लेमन में एसिड। कैसे याद रखोगे? आंसर स्टार्ट होता है, लेमन खट्टा होता है और खट्टे फ्रूट उस छोटे से बच्चे को मिले थे जब वो साइकिल पे गया था, साइकिल पर गया था, साई, साई मींस सिट्रिक एसिड, सिट्रस एसिड। ओके, थर्ड क्वेश्चन, दूध में कौन सा एसिड होता है? कैसे याद रखेंगे? दूध, दूध की कीमत हमने क्या तय की थी? 1,00,000। LAC से बना लैक्टिक। तो दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल थे जो मैंने आपको दिए कि कैसे आप स्टोरीज लर्न कर सकते हैं। एक बार आप इसकी क्विक रिवीजन लेंगे तो आपको हर एसिड के सबके सोर्स और फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे। ओके, तो ये वीडियो यही खत्म होती है, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।